भारत रूस व्यापार ने फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आरआईए नोवोस्ती ने भारतीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि अगस्त 2023 के बाद पहली बार रूस और भारत के बीच व्यापार 6 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। साल 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 65 अरब डॉलर के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारत को रूसी निर्यात 5.7 अरब डॉलर का हुआ, जो वार्षिक आधार पर 15% ज्यादा है। रूस को भारत का निर्यात साल दर साल 14% से बढ़कर $321 मिलियन हो गया है। कुल मिलाकर ये कहें कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती लगातार परवान छू रही है, और यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ दोस्ती की जमकर तारीफ कई मंचों से की है और कहा है कि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। ये आंकड़े बताते हैं रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापार कितना बढ़ा है। साल 2023 में भी भारत और रूस के बीच व्यापार ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। रूसी मीडिया के मुताबिक साल 2023 में पहली बार व्यापार 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था और अब ये आंकड़ा 6 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और ये भी पहली बार हुआ है। अगर हम साल 2023 की बात करें तो पिछले साल भारत और रूस के बीच कुल व्यापार तकरीबन 65 अरब डॉलर का रहा। भारत और रूस के बीच व्यापार ऐसे समय पर बढ़ा जब यूक्रेन की जंग को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिकी नेताओं ने भारत को कई बार रूस के साथ व्यापार पर धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दे दिया। फिलहाल रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार एक साल पहले तकरीबन 37 बिलियन के आसपास था, लेकिन साल 2023 और साल 2024 में ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर है, लेकिन जिस तरह से रूस के साथ भारत का व्यापार बढ़ रहा है, बहुत जल्द अमेरिका को पछाड़कर रूस पहली जगह पर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।